दोस्तों सो फाइनली आईपीएल साल 2021 का सीजन शुरू हो गया है। आपको लाइव मुकाबले अब देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें मोबाइल के ऊपर तो हॉटस्टार, जियो टीवी और एयरटेल सब्सक्रिप्शन के साथ आप इसको फ़ोन पर देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों लाइव आपको टीवी के ऊपर ये स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिल जाएगा। तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताओ कि आज का मुकाबला कौन जीत रहा है, मुंबई या फिर आरसीबी। इसके अलावा सभी 8 आईपीएल टीम में से आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। और टीम केकेआर की तरफ से दिन भर में काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स और काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ बाहर निकल के आ रही है, जहां दोस्तों प्लेइंग 11 के अंदर भी एक बहुत बड़ी अपडेट और एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन कहें या न्यू एंट्री कहें तो वो हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टीम केकेआर की तरफ से दिन भर में टॉप अपडेट्स के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की अगर बात करें तो यहाँ मिडिल ऑर्डर इनका सबसे ज्यादा मजबूत पक्ष है, बट यहाँ दोस्तों केकेआर की टीम अपने पहले मैच से पहले बहुत ज्यादा संकट के अंदर फंसी हुई है, क्योंकि यहाँ शाकिब अल हसन को ले या सुनील नारायण को खिलाए, क्योंकि यहाँ सुनील नारायण भी टीम के काफी इंपॉर्टेंट हिस्से हैं और इसके अलावा जो 3 ओवरसीज खिलाड़ी हैं उनको वो बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकते हैं और शाकिब अल हसन एक बहुत ही वैल्यूएबल खिलाड़ी है। तो दोस्तों आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि शाकिब या फिर सुनील नारायण दोनों में से कौन डिजर्विंग है, कौन पहले मुकाबले के अंदर जगह बना रहा है। बात करते हैं दिन भर में क्या बड़ी अपडेट्स टीम केकेआर की तरफ से बाहर आती है। पहली अपडेट बाहर निकल के आ रही है नए स्पॉन्सर को लेकर। तो यहाँ दोस्तों केकेआर की टीम अब आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद भी स्पॉन्सर से हाथ मिलाती जा रही है। यहाँ दोस्तों रिसेंटली केकेआर ने 2-3 नए स्पॉन्सर से हाथ मिलाया था और अब रिसेंटली यहाँ केकेआर ने एक और नया स्पॉन्सर बना लिया है और ये नया स्पॉन्सर इनका वीडियो पार्टनर है और इनका वीडियो पार्टनर है एमएक्स टकाटक। जी हाँ दोस्तों ये नए स्पॉन्सर के साथ इन्होंने साइन अप कर लिया है वीडियो पार्टनरशिप के लिए। दूसरी न्यूज़ बाहर निकल के आ रही है कप्तान आयोन मॉर्गन को लेकर और ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको सुनना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों आयोन मॉर्गन ने सभी 8 आईपीएल टीम को यहाँ ऑल द बेस्ट कहा है, बेस्ट विशेष भेजी है। इसके अलावा खासकर केकेआर फैंस के लिए उन्होंने बताया है कि यहाँ पर उनको वो सपोर्ट करते रहे, वो बहुत ही मजबूत टीम है तो इस साल केकेआर जीत सकती है। दोस्तों आप हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों आयोन मॉर्गन ने ये भी बताया है कि यहाँ पर केकेआर टीम को काफ़ी हार्ड डिसीजंस लेने होंगे, जो हो सकता है शायद फैंस की समझ ना आए या फैंस उससे नाराज़ भी हो जाएं, बट उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ये जो भी डिसीजंस होंगे केकेआर के हित में ही होंगे, केकेआर को बेनिफिट करेंगे, तो हम इतना ही चाहेंगे कि फैंस हमको पूरा सपोर्ट करें। तो दोस्तों आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बता दो और हमारी वीडियो को भी ज़रूर शेयर कर दो कि आप केकेआर को कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो साल 2021 के अंदर। तीसरी न्यूज़ बाहर निकल के आ रही है प्लेइंग 11 को लेकर। दोस्तों केकेआर की प्लेइंग 11 के अंदर जो यूएसपी है यानी जो उनकी पावर है वो है इनका मिडिल ऑर्डर, बट यहाँ दोस्तों मिडिल ऑर्डर के अंदर अभी तक शाकिब अल हसन की एंट्री नहीं हुई है। इसके बावजूद भी जो इनका मिडिल ऑर्डर है काफ़ी अच्छा है और अब दोस्तों यहाँ शाकिब अल हसन आते तो एक लेफ्ट हैंडेड स्पिनर टीम में आ जाता, बट यहाँ चेन्नई के पिचेस को देखते हुए टीम के अंदर या तो वेंकटेश अय्यर को लिया जाएगा जो कि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, या फिर दोस्तों वैसे तो ऑलराउंडर है वो, या फिर दोस्तों हरभजन सिंह, जैसे कि ब्रेंडन मैकुलम पहले ही बता चुके हैं और आयोन मॉर्गन भी कह चुके हैं कि यहाँ हरभजन सिंह को चेन्नई की पिचेस का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों आप नीचे ज़रूर कमेंट करके दो कि हरभजन सिंह या वेंकटेश अय्यर दोनों में से कौन खेलना चाहिए प्लेइंग 11 में। तो फ्रेंड्स ये थी टीम केकेआर की टॉप न्यूज़, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।